आज हम लोग सीखने वाले हैं मिडिल टर्म ब्रेकर का फैक्टराइजेशन। आज का क्वेश्चन हमारा है मिडिल टर्म ब्रेकर। सबसे पहले इसका क्वेश्चन होता है को कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकर, या इसको फर्स्ट इनटू लास्ट भी कहा जाता है। फर्स्ट इनटू लास्ट और मिडिल टर्म ब्रेकर दोनों का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस है। जैसे फर्स्ट इनटू लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट को इनटू यानी कि गुना करना है, तो 5x² इनटू 5x बराबर 25x। और अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो जो बीच वाला टर्म है ये प्लस करके आना चाहिए। मतलब यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि कोई दो नंबर सोचना है जिसको इंटू करें तो 25 आ जाए, और जिसको प्लस करें तो हमारा 26x आ जाए। ये है क्वेश्चन। तो अगर हम 25 को वन एक्स इंटू करते हैं तो 25x² आ जाएगा, और 25x को 1x में जोड़ देते हैं 26x आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब हो गया कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर देना है। मिडिल टर्म ब्रेकर क्यों है नाम वो देख लेंगे हम लोग अभी। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना, प्लस 25x प्लस 1x प्लस 5। ये जो बीच वाला टर्म है ये दो भाग में टूट चुका है, 25x और 1x, इसलिए इसका नाम हो जाता है फर्स्ट इनटू लास्ट और मिडिल टर्म ब्रेकर। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। जैसे 25x² को पूरा एक्सपीट कर दीजिए, 5 × 5 × x × x 5x² 25x 5 × 5 × x, एक 5 मिल गया, एक x मिल गया, कॉमन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5x। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन 5x। 5x में कितना से गुना करेंगे, 5x² आ जाए x से, प्लस 5x में कितना से गुना करेंगे, 25 आ जाए 5 से, प्लस 1x और 5 में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो 1, तो 1x प्लस 5x प्लस 1 और 1x प्लस 5, ये हमारा आंसर है। अगर ये फैक्टराइजेशन सही बन रहा होगा तो एक कॉमन चीज होती है कि यहाँ वाला जो डिजिट है और इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है दोनों सेम है, होता है, होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो ये फैक्टराइजेशन सही होगा, और अगर गलत होगा तो ये दोनों सेम नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेकर का फैक्टराइजेशन जो यहाँ प्लस करके लाना हो जाता है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फिर।